आजकल आप सब लोग घर पे हैं और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एफर्ट्स हो सकते हैं, आई थिंक वो आप सब कर रहे होंगे। दिस इज़ रियली ए वेरी मच एप्रिशिएबल एफर्ट। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि कई बार हम लोग वही सोचते हैं जो हमें सोचने के लिए बोला जाता है। हम लोग वही बोलते हैं जो हमें बोलने के लिए बोला जाता है, या जो हमें दिखाया जाता है हम वही देखते हैं। तो आप अपनी पूरी कंसंट्रेशन सिर्फ इसी सब्जेक्ट पे ना रखें, साथ साथ में कुछ दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान रखें, वो इसी से लिंक्ड है। जैसे आपके घर में 5 से 6 मेंबर होंगे, फॉर एग्जांपल, उन 5-6 मेंबर्स को किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को सियाटिक पेन है, किसी को माइग्रेन है, किसी को स्टोमिक अल्सर है, किसी को बैक पेन है, किसी को जॉइंट पेन है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स या डिजीज़ एक ही घर में हैं, लेकिन हम उतने अवेयर नहीं होते। हम गवर्नमेंट्स को फोर्स नहीं करते कि हमारी प्रॉब्लम्स को वो क्योर करें। आपको मालूम होगा कि अब हमारे ऑफिस के बैग में मेडिसिन्स का एक बॉक्स रखा होता है, उसमें 3-4 तरह की हमने मेडिसिन्स रखी होती हैं। हमारे घर में एक अलग बॉक्स बन चुका है जिसमें मेडिसिन्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। हर किसी को कोई ना कोई डिजीज़ है, किसी को हार्ट इश्यू है, किसी को एसिड रिफ्लेक्स है। तो हम लोगों को, गवर्नमेंट को इस तरफ भी अवेयर करना होगा कि वो हमारी इन डिजीज़ेस को भी क्योर करने के लिए एक डिसीज़न ले। क्योंकि आप देखेंगे, एक ब्लड प्रेशर का आदमी पिछले 20 साल से 25 साल से मेडिसिंस ले रहा है, एक डायबिटीज़ का आदमी पिछले कई सालों से मेडिसिंस ले रहा है, लेकिन वो क्योर नहीं होता। इट मीन्स वो आपकी परमानेंट डिजीज़ हो गई। और अगर आपको ये लगता हो कि वो डिजीज़ इतनी डेंजरस नहीं है, मेडिसिन खाने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद आदमी ज़िंदा तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप उस मेडिसिन की एक टाइम की डोज़ छोड़ कर देख लीजिए, आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि आपकी क्या हालत होती है। इट मीन्स डायबिटीज़ हो या ब्लड शुगर हो, स्टोमिक अल्सर हो या हार्ट पेन हो, कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, वो सब डेंजरस है। आप सर्वाइव नहीं कर सकते मेडिसिन के बिना। तो डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट दे, लेकिन वो ट्रीटमेंट आपकी होनी चाहिए 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, नॉट फॉर द होल लाइफ। आप पूरी उम्र अपनी मेडिसिन पे डिपेंड रहते हो। आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हो तो मेडिसिन का बॉक्स आपके साथ होता है। इट मीन्स आप जिंदा तो हो, जी तो रहे हो, लेकिन जी नहीं पा रहे हो, खुश नहीं हो पाते हो, आप लाइफ जी नहीं सकते फ्री होके। इसलिए आप अपनी अवेयरनेस इस तरफ भी रखें और ये मैटर भी गवर्नमेंट के पास पहुंचाएं कि हमारी डिजीज़ को क्योर किया जाए। परमानेंटली क्योर ना हो सके तो उसको शॉर्ट पीरियड में क्योर किया जाए। आप खुद भी कुछ सोचना शुरू करें। बहुत सी चीज़ें होती हैं आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, आपकी सोच को डाइवर्ट करने के लिए, आपकी सोच को प्रेस करने के लिए, कि आप कुछ सोच ना सकें, आप कुछ समझ ना सकें। तो टीवी चैनल्स, मीडिया के थ्रू आपको इस तरह से डाइवर्ट किया जाता है कि आपका फोकस एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे लग जाता है, एक पर्टिकुलर इश्यू पे लग जाता है। आप वहीं के आसपास घूमते रहते हो, वो सब्जेक्ट चेंज हो जाता है 2-3 महीने के बाद, फिर नया इश्यू आ जाता है, और हम साल भर में ऐसे 3-4 इशू के अगेंस्ट राउंड अबाउट घूमते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने बारे में नहीं सोच पाते। माई रिक्वेस्ट इज़
प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, और जो मैंने आपको इश्यूज़ बताए हैं आप उनको भी सरकार के आगे ज़रूर रखें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली वंस अगेन।